Welcome to my channel Happy Life Happy Life. If you like my video, please share, like and subscribe. 1, 2, 3, come on. तो आज का दिन है वेंसडे का और शुरू हो गया है मेरा व्लॉग आज का. एक्चुअली आज मैं अभी से शूट करूँगी क्योंकि मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कुछ एक्सरसाइज टिप्स. आप देख सकते हो एक्सरसाइज करने, तो आज एक मैं स्पेशल एक्सरसाइज जो मैं करती हूँ बेली फैट को घटाने के लिए, क्योंकि इस लॉकडाउन में ना बहुत मोटे हो चुके हैं और ऑलरेडी मैं करती हूँ एक्सरसाइज रोज़ाना, फिर भी मैं इतनी छप भी रहती हूँ, अगर नहीं करूँ तो और इतनी हो जाऊँगी, इसलिए मैं रेगुलर रखती हूँ इतने एक्सरसाइज को. तो फ्रेंड्स चलिए, तो अगर जिसको भी बेली फैट की प्रॉब्लम है और मेरी तरह थोड़ी छबी छबी हैं तो मेरे साथ चलिए और अपना कोई भी अपना कंफर्टेबल ड्रेस पहन लीजिए फटाफट से और मेरे साथ चलिए एक्सरसाइज करने. तो लेट्स गो. एक्सरसाइज करने से पहले जरूरी है वार्म अप, तो कर लेते हैं वार्म अप. आपकी एक्सरसाइज मुझे बताना. फीलिंग हेल्दी, फीलिंग एनर्जेटिक. सो अभी पूरे घर का काम करना. कैन यू सी मी स्वेटिंग? इंसान को सबसे पहले हेल्दी होना चाहिए, तो इसीलिए सुबह सुबह आप योगा करें, एक्सरसाइज करें, दोनों मिला के करें या बस बॉडी मूवमेंट्स होनी चाहिए. दैट्स इट. सनराइज, आई लव सनराइज. मैं बहुत देर तक भी देख सकती हूँ सनराइज को. एक्सरसाइज तो होगी, तो मेडिटेशन भी हो गया. तो रियल मेडिटेशन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. अगर आपके घर पे कोई पेट है या आपके घर में प्लांट्स हैं या आपको जैसे मेरी तरह सनलाइट पसंद है, सनराइज पसंद है, तो उसको देखते रहना या अपने प्लांट्स के साथ काम करना, उसकी खुदाई करना, उसको प्लांटिंग करना, प्लांटर्स को पेंट करना और कुछ ऐसे DIYs बनाना, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है फ्रेंड्स,
मेडिटेशन होती है, मतलब कि आप एक जगह कंसंट्रेट करते हो, आपका माइंड मतलब जो स्ट्रेस होता है, ये सारी स्ट्रेस बस्टर चीज़ें होती हैं। किचन में अब किचन का काम शुरू, माइंड फ्रेश हो गया फ्रेंड्स। जब अपना पसंद का काम करो ना तो बहुत मजा आता है। अब तो चाय रेडी है, अभी इनको फटाफट से उठा देती हूँ। आराम की बहुत आदत हो चुकी है, कल एक ही दिन गए थे ऑफिस और इतना थक गए थे। चलिए उठा देते हैं, बहुत नींद की आदत हो गई है इनको। कम लेट्स गो। आज का मौसम फ्रेंड्स बहुत बहुत अच्छा है और हम लोग बाहर बैठ के चाय पियेंगे और मैं भी पी रही हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मेरे को ना वो जो खुशबू से थोड़ी पीने का मन कर रहा है। और चलिए ठंडी ठंडी हवा में बाहर बैठते हैं। गहरा वेजिटेबल्स लाने गए हैं, तब तक मैं थोड़ा सा अपना काम कर लेती हूँ वरना ना और लेट हो जाएगा। सारी चीजें जमा हो जाती है फ्रेंड्स रोजाना रात को यहाँ।
अभी ये शायद आ गए हैं, गेट की आवाज़ भी आ रही है, तो क्या लेकर आए हैं देखना पड़ेगा। और उनको अब सैनिटाइज करना पड़ेगा मुझे। ये सैनिटाइजेशन का काम बहुत बड़ा हो गया है फ्रेंड्स। सारा घर का काम एक साइड और ये काम एक साइड, लेकिन करना तो जरूरी है अपने लिए और अपने फैमिली के लिए और पूरे सोसाइटी के लिए। तो चलिए करते हैं, देखते हैं क्या लेकर आए। ये देखो क्या क्या लेकर आए हैं, ब्रेड, बंस, और ये साउथ इंडिया का जो स्पेशल स्पेशल स्नैक्स है, इसको यहाँ चक्रम कहते हैं, चक्रालू। सो बहुत यमी होता है, तो ये भी बेच रहे हैं बाहर अभी। और लाए हैं पापड़, इन पैकेट्स को ऑलरेडी मैंने सैनिटाइज करके इस परात में लाया है, आप ड्रॉपलेट्स देख सकते हो। लेकिन अब मैं ये जो कवर्स है वो निकाल के बॉक्सेस में स्टोर करने वाली हूँ। दूध भी गर्म करना है। फ्रेंड्स मेरा नाश्ता बनके रेडी हो गया है और मैं भी इन्हीं के साथ नाश्ता करूंगी अभी। और कंप्लीट हो गया मेरा सुबह का किचन का काम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सोच रहे हैं वेलकम बैक कह रही हो और इतना ऑयली ऑयली फेस। अभी जाकर मेरा पूरा काम हुआ है फ्रेंड्स, तो देखिए ना कितना थक गई हूँ। तो अभी मैंने फेस वॉश भी कर लिया है थोड़ा सा, और इतनी भुलक्कड़ हो गई हूँ ना, मैंने ये जो मुल्तानी मिट्टी और रोज वाटर और थोड़ा सा एलोवेरा जेल इसमें मिलाया था, इसको कूल करने के लिए फ्रिज में रखा था ताकि स्वेटिंग बहुत आ रहा है, तो मैंने सोचा इससे थोड़ा रिलीफ हो जाएगा मुझे। तो देखा मैंने इसको ठंडा किया हुआ बाहर रखा और बाहर मैं बात करने लग गई, पूरा काम कंप्लीट करने में लग गई। चलो थोड़ा ठंडा थोड़ा बचा है, लगा लेती हूँ।
और अभी बजे हैं 11:30, तो मेरे हस्बैंड आएंगे 1:30 को, तो उससे पहले मुझे लंच की प्रिपरेशन कर लेनी होगी। ऑलरेडी मैंने सारी जो वेजिटेबल्स वगैरह नहाने से पहले ही कर लिया था, क्योंकि वरना फिर पसीने हो जाएंगे गर्मी के कारण। तो अभी मैं फटाफट से एक कुकर में चावल और सब्जी बनाऊंगी, और सब्जी मैं बनाऊंगी आलू की। तो मैंने आलू कट कर लिए हैं, और पूरे जितने भी मेरे पास वेजीज है ना, कल मैंने ही तो आपको कहा था कि हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए, ये खाइए वो खाइए, फिर आप ही बोलोगे कि हमको तो बड़े बड़े बोल रही है, खुद नहीं खाते। तो इसीलिए मैंने सारी वेजीज जो भी मेरे घर पे है, मेरे घर पे टोमेटोज, ऑनियन, मैं देख रही हूँ प्लेट में मैंने क्या क्या कट करके रखा है, कैरेट और शिमला मिर्च, तो जो भी है थोड़ी थोड़ी मैंने कट कर ली है, और उसके साथ आलू भी। तो सारी सब्जियां मैं मिक्स करके बनाऊंगी, और आप मुझे ज़रूर बताना कि इस सब्जी का नाम क्या रखूं। तो एक फ्रेंड ने जो कहा था ना उस दिन, क्या कहा था, इंडियन बर्गर, मेरे जो ग्रिल बंस को कहा था उन्होंने, मुझे बहुत पसंद आया। तो इस बार भी मेरी सब्जी का नाम आप ही बताओगे, ओके। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, वरना लेट हो जाएगा और फिर डांट पड़ेगी। फ्रेंड्स, आप लोग क्या बनाते हो दोपहर में मुझे भी बताना। यहाँ की सब्जियाँ ना अलग होती हैं, मतलब साउथ इंडिया में ना आप जितना भी ढूंढ लो वही वही होता है, मतलब कि आपको आलू मिल जाएगा। और ये वाली चीज़ क्या होती है, आप लोग इसको क्या बोलते हो मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पे ना इसको डोंडे कहते हैं, मेरे को नहीं पता क्या कहते हैं इसको हिंदी में, तो मुझे बताना। ये कॉक्सिनिया जो इंग्लिश में कहते हैं इसको, तो इसका नाम मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे क्या कहते हैं इसको हिंदी में, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या कहते हैं। तो मैंने उस दिन परवल कहा था, तो एक फ्रेंड ने कहा इसको परवल नहीं कहते, तो आई मीन परवल कुछ और होता है जो थोड़े मोटे होते हैं, ये आप देखिए ना इस तरह के हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा प्लीज़। तो तेल चढ़ा लिया, सबसे पहले इसमें डाल लेंगे ऑनियन। अब तो मुझे ना ये खेल खेल लगने लगा, पहले मुझे बहुत हेडेक हो जाता था खाना बनाने का, लेकिन अब मुझे अच्छा लगने लगा, अब ना मैं एंजॉय कर रही हूँ खाना बनाना। पहले बहुत गुस्सा आता था, मेरे हस्बैंड कुछ बनाने बोलते थे मेरे को, सही में ना बहुत, क्योंकि थक थक के आते हैं ना जॉब से, और फिर ये सब करो, मतलब कि लेकिन अब आदत होगी ना, अच्छा लग रहा है मेरे को। तो मेरे पास अदरक लहसुन नारियल का पेस्ट है, वो फ्रिज में है मेरे, थोड़ा सा मसाला डाल दो, और उस खुशबू से ना बस कोई कमेंट्स नहीं आते घर पे, बस जैसे आप देते हो ना प्यारे प्यारे कमेंट्स, वही आते हैं। फ्रेंड्स, आप जो मुझे सपोर्ट कर रहे हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप वीडियो डालने के बाद जब जैसे ही प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं ना, मेरे को लगता है कि मैं कल क्या वीडियो बनाऊँ, कल आपसे क्या शेयर करूँ, मेरे को बहुत मोटिवेशन मिल रही है। और थैंक यू सो मच जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, व्यूअर्स हैं, सो लव यू गाइज। वो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग के कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ, बहुत मज़ा आता है। गर्मी शुरू, तो मैंने आलू को कट करके इस तरह से भिगो लिया था पहले, और अभी थोड़ी सब्जी भी देख ली थी। पहले मैं अदरक लहसुन का पेस्ट और ऑनियन को अच्छी तरह से भून लूंगी, और उसमें डालूंगी एक चम्मच नमक, और मिर्च नमक भी डाल दिया है मैंने इसमें, और फिर मैं इसका फ्लेम लो करती हूँ। ओ वाओ, अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। तो सारी चीज़ें डाल लेती हूँ, ऑनियन, आई मीन टोमेटो, कैरेट, कैप्सिकम। आज ना कमेंट्स अच्छे वाले आ जाने चाहिए, बस आपसे तो अच्छे मिलते ही हैं, इनसे भी मिल जाए बस, तो
देखो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और फिर पोटैटोज डाल लेती हूँ। मिक्स कर लेता है। मेरे ख्याल से नमक थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। जरूर बताना फ्रेंड्स आपको कैसी लगी ये सब्जी, का नाम भी आपको ही बताना है, मेरे को नहीं, इसलिए मैं सब्जी का नाम नहीं बोल रही हूँ, तो आपको ही बताना है सब्जी का नाम, मुझे नहीं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। बस अब इसको ढक देते हैं, फिर खाना रेडी। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। गर्मी को मेरे ऊपर थोड़ा सा भी तरस नहीं आ रहा, पसीने बहाए जा रहा। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे बात करूंगी, तो देखते हैं मैं जीतती हूँ कि गर्मी जीतती है, तो मैं ही जीतूंगी आपसे बात करके, क्योंकि मुझे आपसे बात करना है। तो फ्रेंड्स, तो ऑफिस का थोड़ा सा काम बाकी है, वो मैं अभी कंप्लीट करूंगी जब तक ये आ जाते हैं, फिर हम लोग अपना लंच करेंगे, फिर उसके बाद मैं थोड़ा आराम करूंगी, और फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी वीडियो की एडिटिंग करूंगी और फटाफट से आपको वीडियो भेज दूंगी। ओके फ्रेंड्स, तो आपको एक ही काम करना है, बस लाइक सब्सक्राइब और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट। अगर आपको मुझे कुछ सजेशंस देने हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, और दैट्स इट, बस आपको छोटा सा काम करना है, और आप हमेशा हैप्पी लाइफ चैनल को देखते रहिएगा। बाय बाय, सी यू टुमारो। एक बात तो मैं बोलने भूल गई जो मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन ना आज मैं नहीं बोल पा रही हूँ। तो मेरे दो फ्रेंड्स हैं, बहुत ही क्यूट हैं, मेरे साथ इस गर्मी में गर्मी को झेलते हैं, तो आपके भी फ्रेंड्स हैं ना, वो पहले दिखाया था मैंने, तो उन फ्रेंड से आप अभी मिलिए, जरूर अभी आपको वो बोलेंगे एक प्यारी सी छोटू सी मैसेज। ओके, इफ यू लाइक दिस चैनल, इफ यू लाइक माई चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टेक प्रिकॉशंस व्हाइल गोइंग आउटसाइड, स्टे सेफ। Take care of yourself and take care of your family. Bye-bye. Thank you, birdies. तो कैसे लगे मेरे birdies आपको friends? तो जो उन्होंने बोला आपने सुन लिया होगा। तो मिलते हैं कल एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए bye-bye. Thank you for watching my channel, friends.